छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में सोमवार दोपहर को अचानक बारिश के साथ बिजली गिरने से सीसीटीवी कैमरे के स्क्रीन बंद हो गई। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे चालू करवाए। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान संपन्न हो चुके हैं। मतदान के बाद पीजी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम मशीन को रखा गया है, लेकिन सोमवार दोपहर को अचानक यहां मौसम बिगड़ गया। बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के चलते स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद हो गए। स्ट्रांग रूम की तीन विधानसभा की एलईडी स्क्रीन अचानक बंद हो गई। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पांडुरना, जुन्नारदेव और छिंदवाड़ा विधानसभा की स्क्रीन करीब आधा घंटे बंद रही। पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा सूचना दिए जाने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी केसी बोपचे मौके पर पहुंचे। करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद सीसीटीवी को दोबारा चालू किया जा सका, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ की धड़कन बढ़ा दी। नकुलनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बिजली कड़कने से थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो उसमें स्क्रीन पर मैंने थोड़ा अवरोध था, तो दूर कर लिया गया, ठीक हो गया। एक कैमरा बंद था, ये मैंने खराब हुए बिजली कड़कने से हुआ है और वो सब ठीक कर लिया गया। लगभग अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास किया था, तभी ठीक हुआ। टेक्निकल फॉल्ट था, 1 घंटे लगा, बाकी रिकॉर्डिंग होती रही थी। बंद नहीं, मैंने पूरा नहीं, सिर्फ मैंने एक विधानसभा करा, बाकी चालू रहते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।